अरे वाह, आखिर कर दिया अंत तुमने इस भयंकर परी का। वाह, मैंने कहा था भयंकर परी कि अंत में हार बुराई की होती है। देख लो, आज तुम बिना सांसों के धरती पर एक पत्थर की तरह पड़ी हो, और ऐसा ही हाल हर उस बुरी शक्ति का होगा जो अच्छाई और सच्चाई से टकराएगी। और आशीर्वाद से सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक बालवीर ने बुराई की प्रतीक भयंकर परी का अंत कर दिया है, समाप्त कर दिया है उसे हमेशा हमेशा के लिए। हो गई मेरी चाल कामयाब। मान गया ये बेवकूफ बालवीर के मेरा अंत हो गया है। बस अब इसके जाते ही मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। हे चिल, है अब मेरी बारी नाटक करने की। तुम रहना यहीं, देखना करूंगा ऐसा कमाल अभिनय, करूंगा ऐसा कमाल अभिनय। नहीं बजाई परी भयंकर ने उठ के ताली तो नाम नहीं मेरा तोबा तोबा। अरे भैया, मैंने जो संकल्प किया था वो भयंकर परी के अंत के साथ पूरा हो चुका है। चलो डुबा डुबाई, हम परीलोक जाकर माँ और परियों को हमारे जीत की खुशखबरी देते हैं। हाँ चलो, बस थोड़ी देर में बनकर धुआं उड़ जाएगा शरीर भयंकर परी का। अब करेगा क्या ये अनाथ तोबा परी भयंकर के बिना जी के। अरे बेवकूफ, इतना भी नाटक मत करके नाटक लगे। अब होगा क्या मेरा, ले लो मेरे भी प्राण परी भयंकर के साथ बालवीर। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हारा भी अंत कर देता हूँ। क्या लगता है वैसे भी अब मेरा या जूंगा मैं किसके सारे, है कौन अब मेरा। नहीं, ये तो बहुत आसान सजा होगी। तुम्हारी यही सजा है तौबा तौबा कि तुम यहाँ भयानक लोक में अकेले सड़ो। परी भयंकर उठिए, मेरी प्यारी परी भयंकर उठिए, परी भयंकर उठिए, उठिए मेरी प्यारी। चलो डुबा डुबाए, हम परीलोक जाकर बुराई के अंत का जश्न मनाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। उठिए परी भयंकर, उठिए परी भयंकर, उठिए। परी भयंकर उठिए। देखा किया क्या मैंने कमाल का अभिनय, देनी चाहिए आपको मुझे शाबाशी।
अच्छा इतने अच्छे अभिनय के लिए एक कम है ना, एक और दे देती हूँ। बेवकूफ, तुम्हारे चक्कर में पूरा खेल खराब हो जाता। क्या जरूरत है आने की? चलो। देखा है गलती मुझसे ये परी भयंकर। बच्चों, अब भगवान को हाथ जोड़कर कहो कि हमें हमारा हर जवाब याद करा दे। अरे दादी, सिर्फ जवाब ही नहीं, वरना जवाब तो हमें याद रहेगा, लेकिन ये नहीं याद रहेगा ना कि जवाब किस सवाल का है ना? हाँ। अच्छा, तो भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करो और कहो कि हमें हमारा सवाल और जवाब दोनों याद करा दे। हाँ। हे भगवान, प्लीज प्लीज कल के एग्जाम के लिए हमें फर्स्ट लाना, ताकि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए। हाँ, और वैसा बाय जो हमने रट्टा मारा है, मतलब पढ़ा है। और बच्चों, अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई ना, तो 101 नारियल फोड़ेंगे महेश के बापूजी अपने सर पे। ये क्या मन्नत मांग रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी कि 101 नारियल फोड़ेंगे अपने पैसों से। फिर भी एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए भगवान को क्यों परेशान कर रही हो? तो किसे परेशान करे? दादाजी को। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, ना तुम्हें परेशान होना है ना किसी और को परेशान करना है। मेरे पास है ना एग्जाम में पास होने का एकदम आसान तरीका है। जो सवाल जवाब है ना, उसको 100-100 बार पढ़ लो। सवाल में तो बैल भी बजेगी। मतलब रट्टा मारो? नहीं 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 बेटा, मैं रट्टा मारने को नहीं कह रहा हूँ। क्या है, एक एक सवाल और जवाब को 100-100 बार पढ़ेंगे तो इनके दिमाग में वो ऐसे अटक जाएगा जैसे जैसे आप अटकते हो। स्मिता, माँ, बापूजी, ना बच्चों को बादाम खाने की जरूरत है, ना ही उन लोगों को भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत है। और सवाल और जवाब 100-100 बार रटने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, तेरे पास और कोई तरीका है? हाँ, और वो तरीका ये है कि कल मानव महर एग्जाम देने नहीं जाएंगे। न रहेगी एग्जाम, न पढ़ने की चिंता। माँ और परी ये सब सुनकर बहुत खुश होगी कि हमने परीलोक और बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन का अंत कर दिया है और बुराई पर विराम लगा दिया है। तुम्हारा विक्रम सही था डुबा डुबा कि मैंने ध्यान से वार नहीं किया होगा। डुबा डुबा एकदम शक्तिहीन। हाँ, और अकेला और दुखी भी। बालवीर, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ, कहो डुबा डुबा। नहीं नहीं, रहने दो, होगा नहीं, सही है। चलो चलते है, चलते वापिस परीलोक। डुबा डुबा एक। तुम मेरे मित्र हो डुबा डुबा एक, इसलिए तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझे बता सकते हो। बताओ। है लग रहा मुझे बुरा बहुत मेरे भाई तोबा तोबा के लिए। भयंकर परी के जाने से हो गया वो एकदम अकेला, और दुखी भी कितना था वो। था ना, देखा तुमने कितना रो रहा था बेचारा, जैसे
जिसे खो दिया हो उसने अपना सब कुछ। तो तुम क्या चाहते हो डुबाडू बैग? बालवीर सोच रहा था मैं ये कि ले चलते तोबा तोबा को अपने साथ अपने परीलोक में और देते एक मौका उसे सुधरने का और बनने का तोबा तोबा से डुबा डुबा फिर से। ये तुम क्या कह रहे हो डुबाडू बैग? तुम्हें पता है ना कि वो कितना शैतान है और सिर्फ बुरे काम ही करता है। हाँ हाँ हूँ मैं जानता, लेकिन है वो मेरा भाई भी। मैं नहीं देख सकता उसे रोते तड़पते हुए अकेले, देख के उसका दुख और है दुख मुझे भी। बालवीर हो सकता है ऐसे भी ना कि बिना भयंकर परी के आ जाए उसमें थोड़ी सी अकल और लगे चलने वो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में फिर से। मुझे गर्व है डुबाडू भाई कि तुम मेरे मित्र हो, तुम सचमुच बहुत अच्छे और दयालु हो और यही वजह थी कि तुमने परीलोक में परियों की सेवा को चुना है और उस तौबा तौबा ने भयंकर परी को। एक बात कहूँ डुबाडू भाई, तुम एक बहुत बड़े वीर, क्योंकि क्षमा करने का साहस सिर्फ वीरों में ही होता है। बहुत अच्छे डुबाडूबा, बहुत अच्छे। चलो हम तौबा तौबा को अपने साथ परीलोक ले चलते हैं। शुक्रिया बालवीर, खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो डुबाडू भाई, खुश रहो। चलो क्या कह रहा है तू, बच्चे एग्जाम नहीं देंगे? नहीं माँ, कल बच्चे स्कॉलरशिप के एग्जाम देने नहीं जाएंगे। बच्चे एग्जाम क्यों नहीं देंगे? बेटा तेरा ही तो सपना था ना कि मानव और महर अच्छी स्कूल में पढ़े, इतनी मुश्किल से तू उनकी स्कूल की फीस भर पाता है, उसके बावजूद तूने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी स्कूल बदल लूं। बच्चों की फीस भरने के लिए आपने अपना स्कूटर लेने का सपना तक छोड़ दिया। एक एक पैसा हम लोग जुटाते हैं ताकि इनकी फीस भर पाए, और आप भी चाहते हैं ना कि ये लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये लोग स्कॉलरशिप के एग्जाम नहीं देंगे? अरे इनसे कुछ करने का मौका क्यों छीन रहे हैं आप? महेश, शायद तू अपना सपना भूल गया होगा, लेकिन ये बच्चे तेरा सपना नहीं भूले। ये स्कॉलरशिप की एग्जाम देके तेरे कंधे से बोझ कम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तू अपने लिए स्कूटर ले, और तू उन्हें रोक रहा है? ये क्या हो गया है तुझे? महेश, तूने हमेशा अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया है, आज जब बच्चे अच्छा फर्ज निभा रहे तो बुराई क्या है? बुराई है माँ, बुराई इनके तरीके में। जिस तरीके से ये मुझे मदद करना चाहते हैं वो गलत है। इनकी फीस भरने के लिए मुझे ज्यादा काम करना पड़ा, मैं करूंगा, मैं ओवर टाइम भी करूंगा, लेकिन ऐसी गलत तरीके से की गई मदद मुझे नहीं चाहिए। बेटा इसमें गलत क्या है, ये पढ़कर स्कॉलरशिप की एग्जाम ही दे रहे हैं ना। हाँ। पढ़कर नहीं बापूजी, रट्टा मार के एग्जाम दे रहे हैं मेरे बच्चे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या एग्जाम का ये मतलब रह गया है कि बच्चे रट्टा मार के पढ़ें और एग्जाम हॉल में जाके जो सवाल आया उसके जवाब लिख लें, फिर उस सवाल के जवाब का अर्थ उन्हें पता हो या ना पता हो? क्या एग्जाम का ये मतलब रह गया बापूजी कि कौन कितने ज्यादा मार्क्स लाता है? अब ज्ञान को मार्क्स के तराजू में तोला जाएगा बापूजी? जिसके जितने ज्यादा मार्क्स उतना वो बुद्धिमान और पढ़ा लिखा। अगर यही मापदंड हैं, तो बापूजी मुझे मेरे बच्चों को ऐसी एग्जाम नहीं दिलवानी कि वो रट्टा मार के जाएं, सवालों के जवाब लिख लें, लेकिन उनको पता ना हो कि उन जवाबों का अर्थ क्या है। पर बेटा आजकल तो सभी जगह यही चल रहा है। और वैसे भी सब लोग यही देखते हैं कि मार्क्स कितने मिले, कोई ये नहीं पूछता है कि मार्क्स कैसे मिले हैं। यही तो समस्या है स्मिता, ना ही शिक्षक ना ही बच्चे,
कोई भी ये नहीं सोचता कि अच्छे से अच्छा ज्ञान कैसे मिले, बस ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे मिले, इस दौड़ में आंखों पर पट्टी लगा के सब दौड़ रहे। बेटा तू जो कह रहा है वो सही है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? बापूजी हम ही हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। बापूजी हम ही बच्चों को मार्क्स की रेस में दौड़ाते हैं, उन्हें कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाओ। बेचारे बच्चे कुछ भी करके मार्क्स लाते भी हैं, 80%, 90%, 95%, लेकिन हमारी भूख कभी कम नहीं होती। फिर भी हम कहते रहते हैं बच्चे बादाम खाओ। कोई बच्चों को कहे कि भगवान से प्रार्थना करो, या कोई सलाह दे कि एक ही सवाल 100-100 बार रटो। बापूजी हमें बच्चों को यह सलाह देनी चाहिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बच्चों इसलिए बेटा खूब मेहनत करो, पर रट्टा मारने की नहीं, सवालों के जवाब समझने के लिए। इससे ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कम सवालों के जवाब याद रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े कम मार्क्स आए, लेकिन बेटा तुम्हें ज्ञान बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ ये मेरा वादा है। हम आपकी बात समझ गए पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इतने कम समय में हम कैसे पढ़ पाएंगे पापा? मैं हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और मैं अच्छे से समझा कर पढ़ाऊंगा, और देखना एक बार सवाल का जवाब तुम्हारी समझ में आ गया ना, फिर वो तुम कभी नहीं भूलोगे। हाँ पापा, अब हम समझ के पढ़ेंगे और रट्टू तोता नहीं बनेंगे। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। महेश बेटा शाबाश शाबाश। लगता है भयंकर परी पूरी तरह धुआं बनकर उड़ गई। हाँ लेकिन उड़ गया कहाँ है तोबा तोबा? अरे यही कहीं होगा, ढूंढते हैं। ये देखो यहाँ जमीन पर है ये निशान मेरे जुड़वा भाई तोबा तोबा के पांव के, गया होगा वो जरूर इसी दिशा में। चलो है ढूंढते उसे।